कॉलेजेस के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं दीपशिखा यादव आपको लेके चलती हूँ बीकॉम थर्ड ईयर के ग्रुप डी के पेपर सेकेंड यानी एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन में नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस, और कम्युनिकेशन प्रोसेस में कम्युनिकेशन मॉडल संप्रेषण प्रतिमान। सबसे पहले हम ये जान लें, जैसे जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, वैसे वैसे संचार प्रणाली में भी विकास हुआ, वैसे वैसे संचार का तरीका अपनाया जाने लगा। ये संचार की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है, इसमें चेंजेस आते गए। कहते हैं परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, तो संचार में भी परिवर्तन होने लगा। जैसा कि इस मॉडल में इस संप्रेषण की प्रक्रिया को अलग अलग लोगों ने अलग अलग मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। सबसे पहले अरस्तु ने प्रस्तुत किया एक मॉडल। अरस्तु ने एक सीधी रेखा में एक मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि कम्युनिकेशन में तीन एलिमेंट पाए जाते हैं। एक एलिमेंट है स्पीकर, जो क्या करता है, स्पीकर यानी सेंडर, जो मैसेज कह रहा है। एडवर्टाइजमेंट में इसका सेंस है एडवर्टाइजर से, जो एडवर्टाइजमेंट देता है। नेक्स्ट है स्पीच यानी व्हाट सेज, ये क्या कहा है, स्पीकर क्या कह रहा है, वही मैसेज है। स्पीकर कौन सा इंफॉर्मेशन अपने कंज्यूमर को देना चाह रहा है, यही मैसेज है उसका। नेक्स्ट लास्ट है ऑडियंस, जो ऑडियंस है यानी श्रोता, जो श्रोता होते हैं वो एडवर्टाइजमेंट में श्रोता इन द सेंस की कंज्यूमर, जो उपभोक्ता उसके प्रोडक्ट के बारे में सुनते हैं, उसी को ये मॉडल अरस्तु ने प्रस्तुत किया। एक रेखीय संरचना में इस मॉडल को प्रस्तुत किया, बहुत सिंपल सा ये मॉडल है। नेक्स्ट मॉडल है लॉसवेल मॉडल। लॉसवेल ने मौखिक मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने मौखिक मॉडल में सीधा सीधा बताया कि कौन कहा, क्या कहा, किस माध्यम से कहा और किसको कहा, कितनी प्रभावशाली तरीके से, कितने प्रभावशाली ढंग से कहा, ये उन्होंने अपनी संरचना में प्रस्तुत किया। जैसे देखिए हु यानी कौन, कौन कहा यानी सेंडर कहेगा, कौन कहेगा, एडवर्टाइजमेंट में एडवर्टाइजमेंट कौन देता है, एडवर्टाइजर देता है यानी एडवर्टाइजर सेंडर होता है। नेक्स्ट है व्हाट सेज, क्या कहा, मैसेज कहा यानी संदेश कहा, वो क्या संदेश यानी संदेश उसका कुछ भी हो सकता है, जैसे जिस तरह का एडवर्टाइजमेंट होगा वो अपने प्रोडक्ट के बारे में जो भी बताना चाह रहा है वही होगा उसका संदेश। नेक्स्ट है हाउ, कैसे यानी किस माध्यम से, चैनल या इसको कह सकते हैं मीडियम, किस मीडियम के थ्रू दे रहा है, उसका मीडियम क्या है, कम्युनिकेशन करने का, कंज्यूमर को बताने का मीडियम क्या है, मीडियम कोई भी हो सकता है, टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट, न्यूज़पेपर। नेक्स्ट है टू हूम, किसको कहा यानी रिसीवर कौन है, रिसीवर कौन है, ये मायने रखता है। इन सभी एलिमेंट का होना बहुत ही आवश्यक है, रिसीवर यानी कंज्यूमर। नेक्स्ट है विथ व्हाट इफेक्ट, कितने इफेक्ट, कितने प्रभावशाली ढंग से कहा, क्योंकि जितने प्रभावशाली ढंग से एडवर्टाइजर अपना संदेश कंज्यूमर तक पहुंचाएगा उतनी ही जल्दी कंज्यूमर का फीडबैक एडवर्टाइजर को मिलेगा। ये लॉसवेल मॉडल है, इसको मौखिक मॉडल भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सैनन व वीवर मॉडल। सैनन व वीवर मॉडल, सैनन व वीवर एक गणितज्ञ थे, इन्होंने एक गणितीय मॉडल प्रस्तुत किया था। कब, 1948 में। 1948 में सैनन व वीवर ने गणितीय मॉडल प्रस्तुत किया था। उन्होंने बताया था कि ट्रांसमीटर के थ्रू मैसेज कैसे भेजते हैं, ट्रांसमीटर के थ्रू सिग्नल में चेंज करके मैसेज कैसे भेजते हैं। अगर हमको कुछ सिक्योरिटी रखनी है अपने मैसेज में तो हम सिग्नल के माध्यम से मैसेज भेजते हैं। तो इसमें एक सोर्स होता है, सोर्स यानी सेंडर, वो मैसेज को ट्रांसमीटर के थ्रू सिग्नल में भेजता है, वो सिग्नल के रूप में रिसीवर को प्राप्त होता है, रिसीवर उस मैसेज को डेस्टिनेशन तक देता है, लक्ष्य तक पहुंचाता है, और यहां से फीडबैक सोर्स को यानी सेंडर को मिलता है यानी एडवर्टाइजर को मिलता है। इसकी बहुत सारी कमियां थी। जैसे इसकी कमी थी कि अगर लाइट कट गई बीच में, जहां बिजली नहीं है वहां इसका यूज नहीं हो पाता। अगर इसमें ये भी कमी थी कि इसमें कुछ मैसेज मिसिंग हो जाता था, कुछ मैसेज छूट जाता था, या कुछ सिग्नल
जो नहीं समझ, जैसे फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर कभी कभी हमारा लैंग्वेज कई लैंग्वेज नहीं समझ पाता, तो इस तरह से अब तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो जिससे तुरंत कन्वर्ट हो जाता है हमारा लैंग्वेज। लेकिन पहले था ऐसा कि हमारे सारे लैंग्वेज कंप्यूटर नहीं समझ पाता था। तो ये सारी दिक्कत इसमें आती है, ये सारी इसकी कमियां हैं गणितीय मॉडल में। नेक्स्ट हम आएंगे बर्लो मॉडल, जो बर्लो ने दिया था एक मॉडल 1960 में, जिसका नाम था एस एम सी आर। बर्लो ने एक मॉडल प्रस्तुत किया SMCR, यस इन द सेंस सेंडर, यम इन द सेंस मैसेज, सी चैनल और आर रिसीवर। सेंडर यहाँ देखते हैं, ये है बर्लो का मॉडल। बर्लो ने बताया था कि सेंडर जो होता है, जो एडवर्टाइजर होता है, एडवर्टाइजर के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, जो भी कम्युनिकेशन स्किल्स है वो होनी चाहिए, उसका एटीट्यूड कैसा, ये सारी इन सभी पे डिपेंड करता है सेंडर का मैसेज, और सेंडर के पास जो फीडबैक आएगा इन्हीं सब पे डिपेंड करता है। कम्युनिकेशन स्किल्स, एटीट्यूड, नॉलेज, कल्चर, उन्होंने बताया था उनके मॉडल में 4 एलिमेंट है। ये पहला एलिमेंट है सेंडर, दूसरा है मैसेज, तीसरा है चैनल और चौथा है रिसीवर। ये 4 एलिमेंट बताया उन्होंने, चारों चीज सेंडर के अंदर ये चीजें होनी चाहिए, मैसेज के अंदर ये कंटेंट एलिमेंट। जैसे देखिए, सेंडर को रिसीवर से फीडबैक मिलेगा, तो सेंडर का जिस तरह का कम्युनिकेशन स्किल्स है उसी तरह का कम्युनिकेशन स्किल्स रिसीवर के पास भी होना चाहिए, वरना वो प्रॉपर उनमें बातचीत नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है एटीट्यूड, जो एटीट्यूड है सेंडर का भेजने का, अगर उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है और इसका निगेटिव, तो सेंडर कितना भी पॉजिटिव मैसेज भेजे जो रिसीवर है उसका निगेटिव फीडबैक ही आएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर दो लोग बात कर रहे हैं, अगर जो सामने वाला है वो दूसरे के बारे में गलत सोच रखता है, तो हमेशा उसके बारे में वो कितना भी पॉजिटिव बोले वो उसको गलत ही समझेगा कि ये झूठ बोल रहा है। तो ऐसा होना दोनों के अंदर होना चाहिए। एटीट्यूड जो होता है वो बहुत मायने रखता है। नॉलेज, ज्ञान भी होना चाहिए, जिस बारे में हम बात कर रहे हैं उसके बारे में नॉलेज दोनों को होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइजमेंट करा रही हूँ, तो जो किसान है वो मेरा एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि किस फसल के लिए ये है एडवर्टाइजमेंट, तभी वो हमको फीडबैक देंगे, तभी हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे, यानी उनको फीडबैक हमको मिल रहा है। नेचर, कल्चर, उनकी सभ्यता भी मिलनी चाहिए। कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो हम बेच रहे हैं और उसमें हम उनके सभ्यता से अलग कुछ दिखा के बेच रहे हैं, वो कभी हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। नेक्स्ट देखिए मैसेज का कंटेंट, जो आप कंटेंट लिख रहे हैं कॉपी राइटिंग करते समय, जो भी कंटेंट, जो भी एलिमेंट आप चूज कर रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, रिसीवर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो सही होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट, यानी जो भी मैसेज है उसका सही से जांच पड़ताल करके उसको सही, कि वो सही है या गलत है, उसको इवेल्युएट करके ही हमको मैसेज कंज्यूमर तक भेजना चाहिए। स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर ध्यान देना चाहिए कि उसका साइज छोटा हो, कंप्लीट हो, पूर्ण हो, छोटा हो, कंप्लीट हो, पूर्ण हो, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में बहुत मच होता है कि वो छोटा हो, उसमें सारी बातें कह दी जाए, उपभोक्ता को बता दी जाए। नेक्स्ट चैनल, चैनल आप किस तरह का यूज कर रहे हैं, जैसे हियरिंग, सीइंग मतलब सुनने वाला यानी रेडियो, सीइंग यानी देखने वाला, टचिंग यानी छूकर एडवर्टाइजमेंट के बारे में जान सके, जैसे छूकर, जैसे एक शिल्पकार मूर्ति बनाता है तो मूर्तियां बेची जाती है तो उसको छूकर देखा जाता है कि ये कैसा है, प्लास्टिक या कई तरह के प्लास्टिक छू के देखे जाते हैं। नेक्स्ट है स्मेलिंग, सूंघकर, जैसे फ्लावर्स बेचना है तो हम सूंघकर ये करेंगे, या फ्लावर बेचना है या परफ्यूम बेचना है, ठीक है, इस तरह के अगर प्रोडक्ट है तो वह छूकर। और टेस्टिंग, उसका टेस्ट कैसा है, कई बार हम फ्री सैंपल देते हैं कि टेस्ट के लिए, तो टेस्ट कैसा है, ये चैनल किस तरह का हमको चैनल चूज करना है, जैसे ये टचिंग वाला चैनल पर्सनल सेलिंग ज्यादा सही है, तो इस तरह का। रिसीवर के पास भी, जैसे कि मैंने बताया जो सेंडर के पास होना चाहिए वो रिसीवर के पास है, तभी इनमें प्रॉपर कम्युनिकेशन हो पाएगा।
वरना ये कम्युनिकेशन सफल नहीं होगा और जो एडवर्टाइजर बताना चाहता है कंज्यूमर को वो पूरा नहीं होगा। ये है हमारा 4 मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो आपके सिलेबस के लिए पर्याप्त है। अगर आप 4 मॉडल समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनता है जैसे आपको डिफाइन एनी 2 मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इन एडवर्टाइजिंग, तो 2 मॉडल कोई भी आप डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन एडवर्टाइजिंग। जो विशेषताएं हैं किसकी, प्रभावशाली संप्रेषण की विशेषताएं, विज्ञापन में प्रभावशाली संप्रेषण की क्या क्या विशेषताएं हैं। विज्ञापन में प्रभावशाली, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रभावशाली कम्युनिकेशन के लिए क्या जरूरी होता है, सेंसेस जरूरी होती है, ठीक है, जैसे कंप्लीटनेस, कंसाइसनेस, कर्टसी, करेक्टनेस, तो इस तरह, तो यही चीज हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए, एक्सेस टू टारगेटेड ऑडियंस, मतलब हमारे जो श्रोता हैं, जो हमारे प्रोडक्ट के चाहने वाले श्रोता हैं, जिनको हमारा प्रोडक्ट चाहिए, हमारा टारगेट, हमारे जो ऑडियंस टारगेट हैं, उनको हम ढूंढें कैसे उन तक पहुंचे, ठीक है। तो ये हम इफेक्टिव होगा कि हम उनको जान लें कि हमारे श्रोता कौन है। नेक्स्ट है ऑब्टेनिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, हम जो बातचीत करना चाह रहे हैं उसका उद्देश्य जान लें, तभी हमारा कम्युनिकेशन प्रभावशाली होगा। उनको हमारा उद्देश्य है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हो। अगर कम्युनिकेशन के बाद, एडवर्टाइजमेंट के बाद ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हो रहा है, यानी हमारा ऑब्जेक्ट पूरा हो रहा है। नेक्स्ट है अट्रैक्टिव लेआउट, जो तैयार करनी चाहिए एडवर्टाइजिंग कॉपी राइटिंग जो तैयार करनी चाहिए वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट है क्लियर डिफाइंड कंप्लीट सेंटेंस, क्लियर होना चाहिए, यानी क्लियर स्पष्ट होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए और कंप्लीट पूर्ण होना चाहिए। कोई भी चीज संक्षिप्त और पूर्ण होना चाहिए। जैसे एक दीवार पे लगा होता है कि यहाँ थूकना मना है, बस एक लाइन, छोटे से लाइन को पढ़ के, 3 शब्द के या 4 शब्द के लाइन को पढ़ के हमको पता चल जाता है कि यहाँ थूकना इसलिए मना है कि यह जगह गंदा हो जाएगा, पता चल जाता है, क्योंकि इसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए सिंबल ऑफ कर्टेसी, इसमें शिष्टता को होना चाहिए, इसमें कुछ ऐसे वर्डों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें शिष्टता हो, नम्रता हो, तभी लोग आपकी बात सुनेंगे। अगर आप बहुत ही निगेटिव एटीट्यूड के साथ कुछ कह रहे हैं तो लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपके प्रोडक्ट के बारे में नहीं सुनेंगे। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस, और कम्युनिकेशन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते रहना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन अगर कॉन्टिन्यूअस प्रॉपर नहीं है तो क्या होगा, आपके प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर भूल जाएंगे, समय के साथ भूल जाएंगे। तो कॉन्टिन्यूअस आपको एडवर्टाइजमेंट देना होगा। जैसे एडवर्टाइजमेंट बंद करते हैं आपके कोई और अगर आपके प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट है तो उसके प्रोड्यूसर एडवर्टाइजमेंट देख देंगे और आपके प्रोडक्ट के बारे में लोग भूल जाएंगे।